हम MS Excel पे काम करें, इन पे जो ऑफिस की एप्लीकेशन तो नहीं है लेकिन बाद जगहों पे हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए साथ साथ इसका थोड़ा सा इलम होना लाजमी है। मैंने इन पे 2012 इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इन पेज का लिंक मिल जाएगा, आप मोबाइल से डाउनलोड कर लेना। और कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरह करना है उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको पहली क्लास में, तो आपने सेम उसी प्रोसीजर के साथ इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लिया मैंने, इसे आपने ओपन कैसे करना है, मतलब क्लिक करें इस पर, तो ये आपके सामने ओपन हो गया। दूसरा तरीका है इसको ओपन करने का, आप सर्च बार में जाएं, यहाँ पे INP लिखें, सबसे ऊपर इन पेज आ गया, यहाँ से आप ओपन कर लें इसको। ये दो तरीके हैं। तीसरा, आप फाइल प्रोग्राम पर जाके भी जिस तरह MS Excel और MS Word हमने ओपन किया था, आप यहाँ से भी इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। करता हूँ, ये ओपन हो गया। ओपन किस तरह करना है वो बता दिया, आगे चलते हैं। वैसे ही आप इन पेज ओपन करेंगे आपके सामने ये व्हाइट कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो आप इधर टूल बॉक्स में होंगे। ये टूल आपका कोई भी काम नहीं करेगा, ना ही आप इधर कुछ लिख सकते हैं, ना ही कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एन, CTRL और एन, ये प्रेस करना है, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आपने इंटर प्रेस कर लिया, कंट्रोल एन और इंटर, ये आपकी आपका पेज इन पेज का आपके सामने ओपन हो गया। और इसको आपने खत्म करना है, तो एक ये खत्म करने के लिए, कोई प्रोग्राम क्लोज करने के लिए, और एक इससे नीचे बना हुआ है रास्ता, तो मैं क्लिक करता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक तरीके से आप अपना नया पेज इस तरह ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड देख लें, आपने सबसे ऊपर फाइल पे जाना है, यहाँ पे न्यू है, न्यू के बाद ओपन है, ठीक है। ये दोनों तरीकों से, अगर आपने कोई नई फाइल बनानी है तो आपने न्यू पे क्लिक करना है, इंटर प्रेस करना है, ये न्यू फाइल आ जाएगी। और अगर आपके पास कोई भी फाइल पड़ी हुई है आपने ओपन पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने पाथ दे देना है कि आप किस जगह से अपनी कोई भी फाइल लेके आना चाह रहे हैं, वो आपकी फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। अभी मैं कंट्रोल एन से न्यू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स है आपके सामने, इस पे कुछ सेटिंग्स हैं, आपको सिर्फ ये सेटिंग समझनी है, बाकी पेज में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। सबसे पहले पेज पेज का ये कॉलम बना हुआ है, उसके बाद मार्जिन का बना हुआ है, नीचे डायरेक्शन का बना हुआ है, फिर ये कॉलम बने हुए हैं। हम कॉलम पे आज बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम मार्जिन, डायरेक्शन और पेज जो इस पे बात करते हैं। पेज पे सबसे पहले आपका पेज साइज़ है, पेज साइज़ वही चीज़ जो हमने पेज लेआउट में वर्ड में किया था, सेम वही चीज़ है। उधर हमने इंचीज में काम किया था, मतलब कि इंचीज में पेजेस के 7 इंच, 6 इंच, 5 इंच, इधर आपके MM होंगे, मतलब बिल्कुल साथ आपके पेज का नाम भी लिखा होगा, A4, A5 या कौन सा भी आप पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेसिक जो मैंने बताए थे 3 लेटर, लीगल तो A4, ये तीन हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह का भी पेज की सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको पहले सेटिंग करना पड़ेगा, मतलब कि इधर हम काम करने के बाद भी पेज को चेंज कर सकते थे, इधर आपने पहले पेज को सेट करना, उसके बाद में आपने काम करना। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्लिक करता हूँ, ये इसकी विड्थ आ गई 210 mm और इसकी हाइट आ गई 297 mm। अगर आप इसको थोड़ा बहुत अपने मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आप इन कॉलम की मदद से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ। सेम वही चीज़ ओरिएंटेशन में, आप अपना पेज पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मोड जो मैंने बताया था ऊपर से नीचे इस तरह रखना चाहते हैं, या इस तरह लैंडस्केप मोड पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे पेज नंबर है कि पेज नंबर है आपके पास कितने पेज ओपन हो, आपने सिंपल एक पे ही रहने देना है, ज़्यादा पेज ओपन करने की आपको जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप अपना काम करते जाएंगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद मार्जिन, ये बेसिक मार्जिन 12.7 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्टली यही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये लेफ्ट साइड का मार्जिन है, मैं इसको 20 कर देता हूँ, राइट भी 20 कर देता हूँ। टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर से सबसे ऊपर के मार्जिन नीचे से, ये मैं 10 10 कर देता हूँ।
उसके बाद डिडक्शन है, डिडक्शन में आपके टैक्स की डिडक्शन आएगी कि आपने लेफ्ट टू राइट लिखना है या राइट टू लेफ्ट लिखना है। डिडक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रख लें, आपने जब भी उर्दू लिखनी है, उर्दू हम हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, और जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम उर्दू के लिए इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं तो हमने राइट टू लेफ्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट टू राइट का अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके से पहले देख लें कि ये नीचे एक है सेव एज डिफॉल्ट का बटन है, ये देख लें, ये अभी मैं दोबारा ओपन करके आपको बताऊंगा ये किस लिए है। ये सेटिंग हमने बाई हैंड चेंज कर दी सारी, ठीक है, कस्टम साइज इसलिए लिखा आ गया कि मैंने यहाँ पे बाई हैंड 200 लिखा था, ओके कर दिया, ये मेरा पेज मेरे सामने ओपन हो गया, ऊपर भी टूल ओपन हो गया और ये टूल भी इस्तेमाल के काबिल हो गया। अभी मैं एक दफ़ा इसे खत्म करता हूँ, दोबारा कंट्रोल एन पे आता हूँ। अच्छा ये देखने के दोबारा वही बेसिक सेटिंग जो 12 से आता है, मैं जो पेज का साइज दिया हुआ था सब कुछ वही है, कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज नहीं हुई। तो मैं दोबारा यहाँ पे आके इसको लीगल पे ले जाता हूँ पेज साइज को, तो लैंडस्केप पे कर लेता हूँ और यहाँ पे 2 पेजेस कर लेता हूँ। तो ये जो बटन बना हुआ है सेव एज डिफॉल्ट का, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरी डिफॉल्ट सेटिंग सेव होगी है, मैं जब भी इन पेज ओपन करूँगा मेरा हमेशा यही सेटिंग बाय डिफॉल्ट ओपन होगी। ये मैंने ओके कर दिया, ये पेज देखने के मेरा पोर्ट्रेट हो गया है आपके सामने। तो अभी दोबारा सेम वही कॉलम हम ओपन करते हैं कंट्रोल एन, ये देखें लीगल साइज आ गया, क्योंकि पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 4 आ गया था, तो लैंडस्केप आ गया पेजेस 2 आ गया। मैं इनको दोबारा एक पेज असल हालत में ले जाता हूँ, तो सेव एज डिफॉल्ट किया तो अभी हमेशा जब भी मैं इन पेज ओपन करूँगा मेरी यही साइटिंग ओपन होगी, आपने इसी साइटिंग के मुताबिक आपने भी काम करना। अगर जरूरत पड़े किसी चीज़ की किसी खास डॉक्यूमेंट के लिए तो आपने चेंज कर लेंगे, अदरवाइज आप इसी साइटिंग को जाएंगे। ओके कर दिया मैंने। अब फाइल सेव किस तरह करनी है, फाइल ओपन किस तरह करनी है वो आपको पहले ही पता है, आपने फाइल पर जाना है, सेव सेव एज, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, और कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एस से आप कर सकते हैं। अच्छा इसमें टेक्स्ट किस तरह लिखना है, जिस तरह सिंपली हम मैसेज में लिखते हैं एक दूसरे से बात करते वक्त वही चीज़ लिखेंगे, मैं आपको कीबोर्ड दे दूंगा उर्दू कीबोर्ड के, हमने इंग्लिश का बटन प्रेस करके उर्दू किस तरह लिखनी है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देख लें मैंने एम प्रेस किया लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड पे सामने स्क्रीन पे आ रहा था, इसकी क्या वजह है कि हमने इसकी प्रेफरेंस चेंज करनी है। सबसे पहले ये आपकी लाजमी होती है, आपने एडिट में जाना है, एडिट में जाने सबसे जाने के बाद सबसे एंड पे प्रेफरेंस है और सबसे नीचे है कीबोर्ड प्रेफरेंस, आपने इधर आ जाना है, यहाँ पे मोनोटोपी मोनोटाइप हुआ सेलेक्ट, आपने इसको खत्म करना और यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड लाना, ठीक है, इधर से क्लिक करना है आपने और यहाँ से फोनेटिक आपने सेलेक्ट कर लिया। और एनेबल सिंधी और एनेबल पश्तो है, आपने वो नहीं करना, दोनों पे चेक नहीं करना। यहाँ पे है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कीबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर क्या बटन आप प्रेस करें तो क्या लिखा जाए, सबसे पहले अलिफ देख लें, ए को प्रेस करेंगे अलिफ, और शिफ्ट के साथ अगर हम ए प्रेस करेंगे तो अलिफ मद्दा आ जाएगा। इसी तरह हम बे पे जाते हैं, बे बी पे बे है, और जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वजी ताला ना का ऑप्शन हो जाएगा, और सी को अगर हम देख लें तो सी इसी तरह मतलब चे आ जाएगा सी से, और शिफ्ट के साथ से आ जाएगा। ये आपने यहाँ से देख लेना, या मैं आपको तस्वीर दे दूंगा इस कीबोर्ड की तो आपको पता चल जाएगा किस तरह लिखना है। प्रेफरेंस लाजमी है, आपने सेटिंग कर लेनी है, जैसे मैं ओके कैंसिल हो गई थोड़ी दोबारा जाता हूँ कीबोर्ड प्रेफरेंस, अगर तो आपकी बाय डिफॉल्ट फोनेटिक है तो आपको चेंज करने की जरूरत है। ऐसे। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ एम आई आर ए, एम से मीम, आई से ये, आर से वे और वे से अल्लाह, फिर आगे मैं लिखता हूँ नाम, एन से नून, ए से अलफ, एम से मीम, मेरा नाम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मुलक लिखता हूँ, एम से मीम, एल से लाम और काफ से के, सॉरी के से काफ,
नया मुल्क। अब आगे हमने लिखना है पाकिस्तान। पी से पे, अलिफ से ए, के से काफ, सीन से एस से सीन, और टी से ते, फिर ए से अलिफ, तो एन से नून। ये ठीक है, ये आपने इस तरह लिखना है। आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये किस तरह हमें क्या क्या चीज़ प्रेस करनी है, क्या बटन प्रेस करना है और क्या लिखना रहेगा। फाइल अब सेव किस तरह करनी है, सेम वही प्रोसीजर जो मैंने बताया था। सेव के बटन पे जाएं, यहाँ पे ऊपर सबसे इस पे डायलॉग बॉक्स आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ से आप आइकन को भी अपना चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इधर पाथ देना है सेविंग। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूँ। आपने जिस जगह पे अपनी फाइल सेव करनी है आप वो पाथ देंगे। फाइल का नाम मैं ASDF लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने इसको impage_file.inp रहने देना है और सेव कर देना। ये मैंने फाइल सेव कर दिया, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो जैसे ही ये फाइल मेरे सामने देख लीजिए, मैं लेके आता हूँ, तो ये इस तरह की फाइल ओपन होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस तरह आपके सामने ये शो होगी। आपने क्या करना है इस फाइल को ओपन करने के लिए, इन पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप फाइल पर जाएं, ओपन पे जाएं, पाथ दे दें कि किस पाथ पे आपकी फाइल पड़ी हुई। मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये फाइल है .inp लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मेरी फाइल ओपन हो। दूसरा तरीका है इसका, इन पेज को ओपन कर लें, इस फाइल को उठाएं तो स्क्रीन पेज के अंदर ले आए ये फाइल। आप दूसरा तरीका इसको ओपन करने का, और उसके बाद देख लें सेव है। तो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे लिखा मैंने मेरा मुल्क पाकिस्तान है। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली फाइल जिस तरह बनी हुई थी वैसे हुई, और जो मैंने चेंजिंग की है उसकी एक नई फाइल बनी। सेम मैंने उसी तरह सेव एज पे जाना है जो पहले भी आपको बताया। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे इसका नाम GHDA रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ।